गिरिराज रसोई हेल्थ भी और टेस्ट भी में मैं रेखा मित्तल आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे गुजरात का फेमस सुरती लोचा। आजकल घरों से ये सारी चीजें खत्म ही होती जा रही है, कई घरों में तो बच्चे जानते ही नहीं हैं, बस पिज्जा बर्गर ब्रेड इस तक सिमट के रह गई है। ये सचमुच बहुत टेस्टी बनता है, इसके साथ खाने वाली चटनी भी बताऊंगी और इसमें ऊपर से मसाला डालते हैं वो भी बताऊंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सुरती लोचा बनाने के लिए जो मेन चीजें हैं वो ये हैं, 1 कप चने की दाल, 1/4 कप उड़द की दाल और 1/4 कप पोहा, जाड़ा या पतला आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो इन दोनों को हम भिगो देंगे। अभी मैं इसे 3-3 बार अच्छे से वॉश करके भिगो देती हूँ और 6 घंटे भिगोएंगे और आधा घंटा पहले पोहा भी भिगो के इसके साथ मिला लूंगी और फिर हम पीसेंगे। सुरती लोचा बनाने के लिए मैंने 1 कप चने की दाल भिगोई थी, 6 घंटे हो गए हैं, 1/4 कप उड़द की दाल भिगोई थी। हाँ, अब इसका पानी निकाल के ले लेंगे और ये 1/4 कप पोहा है जिसको मैंने अभी 15-20 मिनट पहले भिगोया था, ये भी भीग गया है। अब इसको इसमें एक मिक्सी जार में ले लेंगे। और ये 1/4 कप खट्टा दही लिया है, एकदम खट्टा दही लीजिएगा, उससे बहुत अच्छे बनते हैं। और पीसने के लिए 1/4 कप पानी लिया है, अब इसे पीस लेंगे। ये देखिए एकदम फाइन पीस गया है मेरा। इसमें 1/4 कप हमने पानी डाला था और 2 टेबल स्पून पानी डाला मैंने पीसने के लिए, और ये देखिए एकदम फाइन, जरा भी दाल का दाना ना रहे वैसा हमें पीसना है। अब इसको मैं पलट लेती हूँ। अब इसको 6 से 7 घंटे के लिए ढक के रखिए। ये आथा अच्छे से हो गया है, फर्मेंट हो गया है। अब ये मेजरमेंट से 1.5 कप है, आपको जितना बनाना है उतना ही लीजिए। जैसे 1 कप बनाना है तो 1 कप, 2 कप बनाना है तो 1 कप, मैं ये 1.5 कप ले रही हूँ। 1.5 कप हो गया, बाकी मैं फ्रिज में रख दूंगी। ये मैंने, ये 1.5 कप है तो 3/4 चम्मच नमक डाला है, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून हींग और 1 टीस्पून और 1.5 टीस्पून के करीब मैंने अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डाला है, इसको मिला लेंगे। और अब जितना बैटर लिया है उतना ही पानी लेना है, तो मैंने ये 1.5 कप लिया है तो वो ही कप से नाप के, ये मेजरिंग का 1.5 कप है, ये पानी का माप बराबर रखिएगा, उतना ही पानी ले रही हूँ। ये कंसिस्टेंसी देखिए आप, इसको इतना ही पतला रखना है, एग्जैक्ट जितना आपका बैटर है उसी माप से। आप मसाले अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं लेकिन पानी बिल्कुल उतना ही रखिएगा। आइए अब हम गैस पे चलते हैं। मैंने पानी लिया है, उस पे एक ये रख दिया है, उसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे और इसको मैं ढक देती हूँ ताकि जल्दी गर्म हो जाए। और ये जो हमारा बैटर है इसमें मैंने डालना भूल गई थी, 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये गरम हो गया है, ये 1.5 कप पानी और 1.5 कप हमारा घोल है, उसमें 1 पैकेट इनो का डाल दिया है मैंने। और अगर आपका, अब एक दिशा में ही इसे चलाएंगे। मैं आधा इसमें डाल रही हूँ और मैंने दूसरी गैस पे भी
रख दिया है, क्योंकि इसमें इनो डाला है इसलिए इसे तुरंत बनाना पड़ेगा, तो आधा दूसरी थाली में डाल के रख इसको 20 मिनट के लिए, 18 से 20 मिनट के लिए इसे ढक के पका लेंगे। आइए हम अपना मसाला बना लेते हैं। सुरती लोचा मसाला, ये बहुत सिंपल है। ये मैंने आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली है, आधी चम्मच, ये टीस्पून के हिसाब से बता रही हूँ, आधी टीस्पून जीरा पाउडर और ये आधी टीस्पून चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप अमचूर पाउडर भी ले सकते हैं। आधी टीस्पून से भी कम, 1/4 टीस्पून नमक लिया है, क्योंकि नमक हम ऑलरेडी उसमें डाल चुके हैं। और ये आधी टीस्पून लेंगे काली मिर्च पाउडर। ये हमने एक मसाला तैयार कर लिया है जो ऊपर उसमें डालेंगे हमारे सुरती लोचो में। आइए इसके साथ खाने के लिए जो हरी चटनी है हम वो भी तैयार कर लेते हैं। हमारा मसाला तैयार हो गया गैस पे 20 मिनट के लिए, हमारा लोचा तैयार हो रहा है और हरी चटनी भी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने 1/2 कप ये धनिया के पत्ते लिए हैं, इन्हें धो लिए हैं और इन्हें कट करके जार में डाल देंगे। और ये 1 टीस्पून चीनी है और 2 हरी मिर्ची है मैंने, ये बहुत तीखी नहीं है इसे डाल दीजिए। और 2 टेबल स्पून के करीब मूंगफली डालिए। अगर आपके पास खमन है, मेरी सब गुजराती फ्रेंड्स हैं वो खमन डालती है तो बहुत टेस्टी चटनी बनती है, लेकिन खमन नहीं है तो मूंगफली डाल दीजिए। और 1/2 टीस्पून काला नमक और आधे से थोड़ा कम, मतलब टोटल 3/4 टीस्पून नमक डालना है इसमें। और ये नींबू का रस है, ये 1/2 टीस्पून के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए ये हमारी एकदम खट्टी मीठी तीखी चटपटी सी चटनी तैयार है सुरती लोचा के साथ खाने के लिए। आइए 18 मिनट होने आए, अब हम अपनी गैस खोल के देखते हैं। ये देखते हैं, हाँ हमारा ये तैयार है। इस पे थोड़ी सी, एक्चुअली पहले ही डाल देनी चाहिए, दूसरी थाली में मैंने पहले ही डाल दी है लाल मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्ची, तो ये देखने में भी सुंदर लगती है। और ऐसे इसमें वो डाल के देख लेंगे अंदर गीला है कि नहीं, आप एक टूथपिक डाल के देख सकती हो, एकदम क्लीन निकली है मेरी ये, मतलब हमारा ये तैयार है। अब मैं गैस बंद करती हूँ। ये देखिए हमारा ये तैयार है। अब इसको हम लेंगे कैसे, ऐसे तवे ता पलटा होता है ना, उससे पूरा ऐसे निकालेंगे और ये प्लेट में रखेंगे। लगभग 20 मिनट में ये पूरा तैयार हो गया। ये थोड़ा ढीला ही रहता है, एक तरफ हम थोड़ा सा बटर गरम कर रहे हैं, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा मसाला जो हमने बनाया है। लगभग 1 चम्मच बटर गरम गरम मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़े से बारीक सेव डालेंगे, मेरे पास बारीक सेव नहीं है तो मैं थोड़े जाड़े सेव डाल रही हूँ इसमें, जैसे सेव पूरी भेलपूरी में डालते हैं वो बारीक वाले सेव। और थोड़ा सा हरा धनिया और यही साइड में रखेंगे टेस्टी मजेदार चटनी जो हमने बनाई है। ये खट्टी मीठी, इसलिए 1 टीस्पून चीनी जरूर डालिएगा, ये खट्टी मीठी चटनी। ये हमारा सुरती लोचा तैयार है फ्रेंड्स। ये सब गुजरात की ट्रेडिशनल डिश है, लेकिन आजकल ये सब लुप्त होती चली जा रही है। मेरी फ्रेंड का फोन आया था अभी, मैंने उसे बोला मैं वीडियो बना रही हूँ बाद में बात करूंगी, तो गुजराती है और फिर भी वो पूछ रही थी ये सुरती लोचा क्या होता है। सूरत वगैरह में बनता होगा लेकिन शहरों में तो ये लुप्त कई घरों से होता ही चला जा रहा है। बच्चे सब पिज्जा बर्गर के पीछे भाग रहे हैं। ये बना के देखिए, ये डिश बहुत टेस्टी बनती है और ये खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए,
मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। हरे कृष्णा।